नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी, क्योंकि एक भी दिन गंवाना अच्छा नहीं है। प्रतियोगिता, जो प्रतिस्पर्धा है, वो बहुत ही कड़ी होने वाली है आज, क्योंकि आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो आज मैं दंडी के विषय में कुछ जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपके पीजीटी टीजीटी के अनिवार्य संस्कृत में काफी मदद सहयोगी साबित होगा। उसके पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, आपका समय देने के लिए और साथ बनाए रखने। चलिए देखते हैं। दंडी संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इनके जीवन के संबंध में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है, मतलब इनके जीवन के संबंध में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिल पाई है। कुछ विद्वान इन्हें 7वीं सती का, यानी 7वीं शताब्दी के अंतिम का, कुछ इन्हें 8वीं शताब्दी के प्रारंभ का मानते हैं। मतलब या तो ये 7वीं शताब्दी के बिल्कुल अंत समय के हैं, या 8वीं शताब्दी की शुरुआत की। तो कुछ विद्वान इनका जन्म 550 और 650 ईस्वी के मध्य मानते हैं। मतलब कुछ विद्वान और पहले इनका जन्म मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने मतभेद हैं, तो इनके जन्म संबंधी कुछ भी संभवतः आपकी परीक्षाओं में नहीं आएगा, क्योंकि अनिवार्य संस्कृत में जो भी आएगा वो लगभग फैक्ट ही आएंगे। जो विवादास्पद है वो बहुत ही मुश्किल है कि अनिवार्य संस्कृत में आए, आपके विषय से आ सकता है। चलिए बात करते हैं दंडी की प्रमुख रचनाओं की। तो इनकी पहली रचना है दस कुमार चरित। दस कुमार चरित इस गद्य काव्य में 10 कुमार राजकुमारों के चरित्र चरित्र वर्णित होने के कारण इसका नाम दस कुमार चरित। नाम से ही पता चल रहा है, 10 कुमार चरित, इसमें 10 कुमारों के राजकुमारों के चरित का वर्णन किया गया है। 10 कुमार चरित पर संभवतः पैसाची की बृहत कथा का प्रभाव पड़ा है। संभवतः इसी कारण 10 कुमार चरित पर लोक कथाओं की कथा रूढ़ियों का भी प्रभाव है। विभिन्न श्रेणियों और वर्गों के माध्यम से किए गए वर्ग परक चरित्र चित्रण में तत्कालिक समाज की सजीव झांकी दिखाई देती है। मतलब इसको पढ़ के उस तत्कालिक समाज की बिल्कुल सजीव झांकी दिखाई देती है, किसमें? 10 कुमार चरित्र में। इसके बाद अगर हम बात करें काव्यादर्श की, इनकी दूसरी रचना, काव्यादर्श दंडी की ऐसी रचना है जो काव्य शास्त्र के विचार से विशेष महत्व की है। मतलब इस तरह से आपके प्रश्न आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दंडी की कौन सी रचना काव्य शास्त्र के विचार से विशेष महत्व की है, तो आप बता देंगे काव्यादर्श। काव्य दृश्य काव्य संबंधी नाट्य शास्त्र के अनंतर, मतलब बाद में, केवल भामह ही दंडी के प्राचीनतर यानी पहले के ऐसे अलंकारिक हैं जिनका गद्य अद्यावधि उपलब्ध है। मतलब जिनका गद्य आज भी उपलब्ध है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बाद भामा ही दंडी के प्राचीनतर ऐसे अलंकारिक है। मतलब दो लोगों का ही ग्रंथ आज भी उपलब्ध है, बाकी के लिखे भी गए होंगे तो नष्ट हो गए। किसके किसके? भामा के और दंडी के। परंतु उनकी कृति काव्य अलंकार की अपेक्षा दंडी की का काव्यादर्श अधिक प्रौढ़, अधिक व्यापक और अधिक व्यवस्थित। भामा के काव्य अलंकार से दंडी का जो काव्यादर्श है वो ज्यादा प्रौढ़, व्यवस्थित और व्यापक है। उनके परवर्ती अनेक अलंकारों के ग्रंथों और रचना शैलियों को प्रभावित किया है। मतलब उनके बाद जो भी परवर्ती ग्रंथ हुए, उनके रचनाकार हुए, उनको काव्यादर्श ने बहुत प्रभावित किया। उसके बाद अगर इनकी तीसरी रचना की बात करते हैं तो वह है अवंति सुंदरी कथा। अवंति सुंदरी कथा भी एक प्रौढ़ गद्य काव्य है, परंतु इसके कृतित्व के विवादास्पद और ग्रंथ के अपूर्ण होने में यहाँ कुछ विशेष न कहकर इतना ही कहना पर्याप्त है कि ये एक प्रौढ़ गद्य काव्य है। ये भी हो सकता है कि 10 कुमार चरित की वे पूर्व पीठिका रही हो। मतलब 10 कुमार चरित्र के पहले उसकी भूमिका के रूप में अवंति सुंदरी कथा को लिखा गया हो, यह भी संभव है। सब मिलाकर दंडी को हम उत्कृष्ट काव्यकार और तदयुगीन शास्त्र बोध की दृष्टि से उच्च कोटि का अलंकारिक
कह सकते हैं। तो इससे आपको ये पता चल गया, ये मतलब अलंकार प्रधान कवि थे और अवंत सुंदरी कथा भी इनका प्रौढ़ गद्य काव्य है, और क्योंकि ये अपूर्ण है इसका जो कृतित्व है वो विवादास्पद है, इसलिए उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि जो अवंति सुंदरी कथा है ये दस कुमार चरित्र के पूर्व पूर्व पीठिका के रूप में लिखी गई है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपको आपके परीक्षाओं में मदद करेगी, अनिवार्य संस्कृत में, ठीक है। मुझे और कोई भी जानकारी जैसे ही मिलेगी, जैसे ही समय मिलेगा, मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होने की पूरी कोशिश करूंगी। हालांकि कुछ समय का अभाव रहता है अभी मेरे पास में, परंतु आप सबका स्नेह मुझे बार बार आप तक खींच के ले आता है। कमेंट्स करते रहिएगा, वही मुझे बार बार आप तक आने के लिए मजबूर कर देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।